नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और स्वागत है आपका मेरे इस चैनल इट्स सुमित कुमार में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बोलेरो पिकअप के बारे में, जो कि आप देख सकते हैं इस समय मेरे सामने खड़ी है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी तरीके से बताऊंगा इस गाड़ी की कीमत कितने वेरियंट में आती है, क्या इसके इंजन ऑप्शन हैं और कैसी है आपके बिजनेस के लिए या चलाने के लिए आपको बिल्कुल सही रहेगी। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं इस गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल के बारे में। सबसे पहले फ्रंट प्रोफाइल में आप देखेंगे तो गाड़ी दिखने में बिल्कुल सिंपल है। इसका डिज़ाइन कोई खास इसमें चेंजेस नहीं है, जो नॉर्मली बोलेरो आती थी आपकी पुरानी वाली सेम उसी के जैसे। इसमें हेलोजन हेडलैम्प दिए गए हैं दोनों साइड, साथ में पार्किंग बल्ब दिए गए हैं और इंडिकेटर दिए गए हैं। इंडिकेटर साइड में भी दिए गए हैं जो कि दिखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। और नीचे फॉग लैंप के लिए आपको स्लॉट दिया गया है, लेकिन फॉग लैंप आपको इसके किसी भी वेरिएंट में अवेलेबल नहीं कराया गया है। अब बोलेरो पिकअप आती है, इसके लगभग तीन से चार वेरिएंट आते हैं। सबसे लोअर वेरिएंट जो है बोलेरो मैक्सी ट्रक प्लस, जो कि पावर स्टेयरिंग और विदाउट पावर स्टेयरिंग दोनों ही ऑप्शन में अवेलेबल है। उसके बाद इसका अपर वेरियंट आता है बोलेरो पिकअप CBC और फिर इसका टॉप वेरिएंट आता है बोलेरो पिकअप FB। तो सबसे पहले हमारे पास जो पिकअप अवेलेबल है वो है बोलेरो मैक्सी ट्रक प्लस की क्रोम में। यहाँ पर इसकी बैजिंग भी दी हुई है जो कि काफ़ी बढ़िया लग रही है। और ये जो बम्पर है इसे लोग बाग आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशन करवा लेते हैं। इसके बॉडी टाइप की बात करें तो बॉडी इसकी कस्टमाइजेबल होती है, आप अपने हिसाब से इसे किसी भी तरीके से किसी भी लोड के हिसाब से कस्टमाइज करवा सकते हैं। बाकी जो कंपनी देती है वो आपको हाफ बॉडी देती है। मैं आपको कुछ अंदाजा देने के लिए यहाँ पे दे दूँ इतना ये बॉडी का ये साइज आ रहा है। इसके ऊपर की जो बॉडी ये बनी हुई है, बाकी कंपनी जो है इतनी ही बॉडी इसकी देती है। इसकी जो डाला है या जिसे बॉडी बोला जाता है उसका साइज होता है 8 फिट, ये 8 फिट में भी आती है। और इसका जो टॉप वेरिएंट होता है बोलेरो पिकअप FB, उसमें जो इसके डाले का साइज है वो 9 फिट आता है। अब ये गाड़ी आती किस सेगमेंट में है, ये लाइट कॉमर्शियल व्हीकल के सेगमेंट में आती है और ये सीधा सीधा कम्पीट करती है टाटा की पिकअप योद्धा से और अशोक लीलैंड की पिकअप दोस्त और दोस्त प्लस से। ये काफी बढ़िया कम्पीट करती है, लेकिन कई मामलों में ये उन्हें पीछे छोड़ देती है। ये तो बात कर ली हमने इस गाड़ी के आउटर प्रोफाइल के बारे में। ओके, मैं भूल गया, यहाँ पर आपको किसी भी तरह का कोई रिक्वेस्ट सेंसर या कुछ नहीं दिया जाता, आपको नॉर्मली डोर हैंडल दिया जाता है, यहाँ पर की भी ऑपरेट होती है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसके जितने भी डोर्स हैं और आपको डीजल वाला जो दिखेगा ओपनर वो उस पर भी की और जो आपकी नॉर्मल की लगती है वो सारी चीज़ें एक ही की से ऑपरेटेड होती है यहाँ पर। अब हम इसके इंटरनल प्रोफाइल की अगर बात करें तो डोर्स पे आपको कांच को ऊपर नीचे करने के लिए आपको ये एक हैंडल मिल जाता है, जो कि कोई पावर विंडो नहीं है इस गाड़ी में, नॉर्मल विंडोज दी गई हैं। और आपको ये एक हैंडल मिल जाता है, किसी भी तरह का कोई स्टोरेज स्पेस नहीं दिया गया है, ये डोर अनलॉक हैंडल दिया गया है। और सबसे खास बात आप देखेंगे सारी गाड़ियों में हैंड ब्रेक जो है सीट के बीच में दिया हुआ होता है, लेकिन इस गाड़ी में जो हैंड ब्रेक है वो सीट के साइड में दिया हुआ है यहाँ पर। अब इसके और भी चीज की बात करें तो इसमें डुअल टोन इंटीरियर्स आते हैं जो कि अलग अलग कलर्स में अवेलेबल होते हैं। बाकी बॉडी कलर जो है ये ओनली व्हाइट कलर में अवेलेबल है, इसमें तो आप चेंजेस नहीं कर सकते। ओके, तो इसमें एक 12 वोल्ट का आउटपुट दिया गया है जिसमें आप चार्जर या सिगरेट लाइटर भी लगा सकते हैं। और लोड के हिसाब से आपको हेडलाइट लेवलर स्विच दिया गया है। उसके बाद ये जो मेरे पास
मैनुअल वर्जन है तो ये एक मैनुअल स्टेयरिंग दिया गया है, और यहाँ पर आपको हैजार्ड लैंप स्विच दिया गया है, इसे जब भी गाड़ी खड़ी रहे इमरजेंसी के सिचुएशन में आप इसे जला सकें, ताकि लोगों को पता चले कि आप किसी अननोन एरिया में खड़े हैं जहाँ आपसे लोगों को खतरा है। इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो यहाँ पर एक फ्यूल मीटर मिलता है, एक टेम्परेचर मीटर मिलता है जो कि टेम्परेचर शो करता है, और स्पीडोमीटर मिलता है। अब स्पीडोमीटर में यहाँ पर ट्रिप मीटर भी मिलता है जो कि ट्रिप ए और ट्रिप बी दो ट्रिप शो करता है। अब ये गाड़ी 30,327 किलोमीटर चली है, तो इसमें से लगभग 20,000 किलोमीटर इसे मैंने खुद चलाया है, तो मैं आपको एक यूजर रिव्यू दे ही सकता हूँ जो कि काफ़ी बढ़िया है इस गाड़ी को लेकर, लेकिन कंफर्ट के मामले में ये गाड़ी बिल्कुल बढ़िया नहीं है, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। अब इस गाड़ी को मैं सेल कर रहा था, मैंने सोचा यूट्यूब की जनता के लिए एक वीडियो बना ही दिया जाए। ये म्यूजिक प्लेयर आफ्टर मार्केट है, इसमें कुछ भी नहीं आता है। एक डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से दिखता है, और यहाँ पर स्टोरेज स्पेस दिया गया है जो कि काफ़ी प्रैक्टिकल और काफ़ी बढ़िया है। किसी भी तरह का कोई ब्लोवर या एसी यूनिट आपको इसमें नहीं दी गई है। इसके गियर्स 5 स्पीड ट्रांसमिशन होते हैं जो कि कुछ इस तरीके से लगते हैं। मैं अपनी सारी ट्यूटोरियल्स की वीडियो, क्योंकि मेरे पास अब यही गाड़ी अवेलेबल थी तो इसी से बनाता था, तो काफ़ी डिमांड थी कि आप अपनी बुलेरो का रिव्यू कीजिए, कमेंट्स भी आए थे, तो मैं आप लोगों के लिए आज ये वीडियो सोचा बना ही दूं। अब बात करें इसके इंजन ऑप्शन की, तो यहाँ पर आपको स्विच दिया गया है हुड ओपनर का, तो इसमें 2.5 लीटर का M2DI इंजन दिया है महिंद्रा ने, जो कि एक 4 सिलेंडर इंजन है, और ये एक टर्बो चार्ज इंजन है। ये इसका एयर फिल्टर हो गया है। मैंने एक वीडियो भी बना रखी है कि प्रॉपरली गाड़ी में कौन से पार्ट कहाँ पर दिए गए हैं, किसका क्या यूज है, मैं आई बटन में उस वीडियो को लिंक कर दूंगा, आप देख सकते हैं। और वाई गॉड पावर बहुत बढ़िया है इस गाड़ी में, आपको कहीं से भी गाड़ी, अच्छा एक चीज तो मैं बताना भूल ही गया कि गाड़ी का जो क्रॉस वेट ग्रॉस इसमें लोडिंग कैपेसिटी कंपनी देती है वो 1250 केजी है, 1250 केजी है पासिंग इसकी आरटीओ से, लेकिन लोग इसमें 30-30 क्विंटल तक भी लोड लेते भरते हैं और गाड़ी आराम से लेके जाती है, कभी कोई दिक्कत ही नहीं होती इस गाड़ी में। महिंद्रा का इंजन है, काफ़ी बढ़िया, भरोसा है महिंद्रा पे लोगों को, और ये गाड़ी अपने सेगमेंट में काफ़ी बढ़िया कम्पीट कर रही है। 5 स्पीड ट्रांसमिशन, इसमें गियर बॉक्स दिया गया है, और इसका क्लच काफ़ी बढ़िया है, 280mm उसका डाया है, सिंगल प्लेट ड्राई क्लच इसमें दिया गया है। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं इस गाड़ी के टायर्स के बारे में, इसके व्हील बेस के बारे में, और इसके सस्पेंशंस और इसके चेसी के बारे में। सबसे पहले इसके टायर्स की बात करें तो इसमें 195/15/106 के एलटी बोले तो लोडिंग टायर्स डलते हैं। कंपनी चारों टायर्स आपको प्रोवाइड यही वाले करवाती है, लेकिन ये गाड़ी में मैंने खासकर लोडिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए टायर जो है अपसाइजिंग करवा रखी है। इसमें 7, 15, 12 के लोडिंग टायर्स डले हुए हैं, इनसे इसकी लोडिंग कैपेसिटी काफ़ी बढ़ जाती है। अब इसमें लेडर टाइप चेसी दिया गया है जो कि आप मेनली देख सकते हैं ट्रक्स वगैरह में अवेलेबल होता है, जिससे इसकी रिजिडिटी काफ़ी बढ़ जाती है। और ये गाड़ी बाय गॉड आप मानिए बहुत रफ एंड टफ गाड़ी है, आप इसे किसी भी रोड कंडीशन में चलाएं, आगे से आपको जो सबसे लोवेस्ट इसकी ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगी वो 170mm की होती है, और पीछे से तो बाय गॉड काफी ट्रक ही है। अब इसके सस्पेंशंस की बात कर लें तो आपको लीफ स्प्रिंग सस्पेंशंस इसमें प्रोवाइड कराते हैं, और शॉक एब्जॉर्बर भी रहते हैं पीछे, तो शॉक एब्जॉर्बर
लगभग लोड में काम ही नहीं आते हैं। लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन होने के कारण ये काफी स्टेबल रहती है और इसमें कोई समस्या भी नहीं आती है। शॉक एब्जॉर्बर थोड़े दिन बाद अपने आप काम करना बंद हो जाते हैं, इन गाड़ियों में लगभग खराब ही हो जाते हैं। तो दोस्तों अब बात करें इस गाड़ी के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की। तो सबसे पहले कि मुझे 2 साल मैंने इस गाड़ी को रखा, 2017 की इस गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग है, तो मुझे इस गाड़ी में क्या कुछ पसंद नहीं आया। तो सबसे पहली बात तो इस गाड़ी में जो मुझे पसंद नहीं आया वो है इसका क्लच, कि थोड़ा भी ज़्यादा अगर जोर पड़ता है इस गाड़ी का तो आपकी क्लच प्लेट खराब हो जाती है। वो थोड़ा बड़ा क्लच साइज देना चाहिए था कंपनी को। और दूसरी चीज़, वैसे तो इसके अलावा और कुछ इसमें कमी मुझे नजर आई नहीं, क्योंकि ये कॉमर्शियल व्हीकल है तो जिस प्राइस पॉइंट पे ये गाड़ी आती है आप इससे कुछ और ज्यादा एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते। आगे हम बात करें इस गाड़ी में क्या क्या आपको सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। तो सेफ्टी फीचर्स के नाम पे आपको ना ABS मिलता है ना ABD वगैरह, आपको कुछ भी नहीं मिलता है। जबकि टाटा जो है अपने प्राइस पॉइंट में, इसी प्राइस पॉइंट पे दूसरे कॉमर्शियल व्हीकल्स में ये सारी चीज़ें अवेलेबल करवाती है, जो कि एक काफ़ी गलत बात है। महिंद्रा को इस पे सोचना होगा। और बाकी चीज़ों की बात करें तो इसमें सीट बेल्ट आपको मिलते हैं नॉर्मल टाइप, ना ही कोई इनमें लोड लिमिटर है, ना प्रीटेंशन सीट बेल्ट्स हैं ये। और जी हाँ, सबसे पहले मैंने एक चीज तो मैं बताना भूल ही गया कि हमारे इस चैनल पे अभी अभी जस्ट 800 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए हैं। तो आप सभी को बहुत सारा धन्यवाद कि जो आपने मेरे चैनल को इतनी जल्दी इतना बढ़िया सपोर्ट दिया, इतना बढ़िया प्यार दिया। आगे भी इसी तरह की सपोर्ट की उम्मीद करता रहूंगा। और ये वादा है आपसे कि आपको ऑटोमोबाइल से रिलेटेड रेगुलर वीडियोस मिलते रहेंगे, और कभी ना मिले तो प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक या डिसलाइक करके जरूर जाइए, जैसा भी आपको लगा हो वीडियो, ताकि मैं उस तरीके से अपनी वीडियोस में और भी सुधार कर सकूं। और आपको इस गाड़ी से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाउन करके पूछ सकते हैं, या आप मुझे डायरेक्टली फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। मैं अपनी इंस्टाग्राम की आईडी डिस्क्रिप्शन पे और लिंक में डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा, और स्क्रीन पर भी आपको शो हो रही होगी, आप वहां से मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं इसी तरह के ऑटोमोबाइल से रिलेटेड और भी वीडियो बनाता रहता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।